Namaste to all the students. I am Jayvin Brahman, an assistant professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology in the Faculty of Open. So today we are going to discuss on our topic that is multimedia system. देखो हम लोगों ने ये तो पढ़ा है कि मल्टीमीडिया किन चीजों के लिए बनके बना है, लेकिन मल्टीमीडिया सिस्टम क्या है? इन सारे चीजों का कॉम्बिनेशन को हम लोग मल्टीमीडिया सिस्टम बोल सकते हैं. देखो आगे हम और भी चीज पढ़ते हैं इसमें और हमें कंफर्म है. तो देखो मल्टीमीडिया सिस्टम क्या है? Any computer delivered electronic system that present information through different media that may include text, video, computer graphics and animation. ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? ये सारी चीजें डिलीवर कर रहा है. ठीक है, तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो सारी ये इन्फॉर्मेशन है इनको क्या कर रहा है? इनको डिलीवर कर रहा है ना, वो प्रेजेंट करता है. ठीक है ना, वो क्या प्रेजेंट कर रहा है? वो इन सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा प्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो सिस्टम से मतलब क्या? तो एक ऐसा सिस्टम जो एबल टू प्रेजेंट एन इंटीग्रेटेड वे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया. ठीक है, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो इंटीग्रेटेड तरीके से इन किन चीजों को एक साथ इकट्ठा रख सके, जैसे जिसमें से कम एटलीस्ट एक चीज तो क्या है, कंटिन्यूस वे में प्रेजेंट की जाए, या तो ऑडियो या वीडियो या एनिमेशन. ठीक है, सो वापस देखते हैं इस लाइन को. अ सिस्टम एबल टू प्रेजेंट एन इंटीग्रेटेड वे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया वेयर एटलीस्ट वन इज कंटिन्यूस. ठीक है, तो एक ऐसा सिस्टम है जो एटलीस्ट इनमें से एक किसी चीज को क्या है, कंटिन्यूस वे में प्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो उस चीज को हम लोग बोल सकते हैं कि आपका क्या है, मल्टीमीडिया सिस्टम है. ठीक है, देखो अब अमंग द फंक्शनलिटीज ऑफ द मल्टीमीडिया सिस्टम्स आर, अब पूरा मल्टीमीडिया सिस्टम की बात करें, सिस्टम जो इन सबको कंबाइन लेके गया हुआ है, जिनमें एक चीज तो एटलीस्ट कंटिन्यूस वे में काम करी, चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो चाहे एनिमेशन. ठीक है, तो इनकी फंक्शनलिटीज क्या है इस मल्टीमीडिया सिस्टम की, कि हम यहाँ कैप्चर कर सकते हैं, कुछ चीजों को जनरेट कर सकते हैं, कुछ चीजों को रिकवर कर सकते हैं, या फिर हम लोग प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ट्रांसमिशन कर सकते हैं, और अपना मल्टीमीडिया की इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है ना, तो एक ऐसा सिस्टम जो इंटीग्रेटेड तरीके से है ना, कम से कम उसको कंटिन्यूस वे में कम से कम उनमें से एक चीज को प्रेजेंट कर सके, वही आपका क्या है, मल्टीमीडिया सिस्टम. ठीक है, तो देखो तो मल्टीमीडिया सिस्टम, मल्टीमीडिया को हमें पता है कि आप इन सभी चीजों को लेकर आपने क्या बोला कि ये क्या है, हमारा मल्टीमीडिया. ठीक है ना, और वैसे हम और हम क्या देखते हैं कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम भी क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है. ठीक है ना, तो इसी तरह से जो हमारा मल्टीमीडिया जो सिस्टम है वो क्या इंक्लूड करता है, इक्विपमेंट, प्रोग्राम एंड पर्सनल ऑर्गेनाइज फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, डाटा स्टोरेज, रिट्रीवल सिस्टम, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड इंटरनेट यूज. ठीक है, तो मतलब हम लोगों का ये जो सिस्टम है ये कुछ चीजें इंक्लूड करता है. ठीक है, जैसे हम लोगों ने बोला क्या इंक्लूड कर रहा है कि जिसके अंदर लोग क्या है कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज है कि वहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, डाटा का स्टोरेज हो रहा है, और सिस्टम का रिट्रीवल हो रहा है ना, इंटरनेट का भी यूज हो रहा है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का भी यूज कर रहे हैं. तो ये हम बोल सकते हैं ये क्या है, वहाँ पे मल्टीमीडिया सिस्टम है पूरा. ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं कि भाई मल्टीमीडिया सिस्टम है कहाँ पे, किस तरह से, कैसे यूज हो रहे हैं, हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, जो हम काम करा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन और किस जगह से क्या एप्लीकेशन है. तो ऐसी भी बहुत एप्लीकेशन जो आपने मोस्टली नहीं सुनी होगी, जैसे या कभी ध्यान नहीं दे पाए होंगे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर मल्टीमीडिया सिस्टम आप बहुत बेसिक तरह से यूज करते हैं, तो फ्रॉम ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग टू एग्जीक्यूटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. तो ये क्या करता है, किसी प्रोसेस का ट्रांजेक्शन हो रहा है, स्टार्ट हुआ, वहां से लेकर पूरा जब तक उस सिस्टम में डिसीजन नहीं दे दिया तब तक हम क्या कर रहे हैं, उस सिस्टम का यूज कर रहे हैं. ठीक है, एनीवेयर देयर इज नीड टू कंबाइनिंग पिक्चर्स, साउंड, एनिमेशन, मल्टीमीडिया सिस्टम आता है. तो मल्टीमीडिया सिस्टम क्या है, वो जगह जहाँ पे हम इन चीजों का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, कि सिर्फ एक चीज से ऑडियो और वीडियो इन सब से काम नहीं चलेगा, सारा का ऑडियो वीडियो सब का सब साउंड को सबको आपने कंबाइन करके एक साथ एक से ज्यादा चीज को यूज लेके जब आप चल रहे हो तो उसी चीज को आप लोगों ने बोला मल्टीमीडिया सिस्टम. ठीक है ना, तो टेक्स्ट को कंबाइनिंग पिक्चर्स के साथ में, उसके साथ में साउंड, उसके साथ में एनिमेशन, तो उसका मतलब मल्टीमीडिया सिस्टम, उसको हम लोगों ने फाउंड किया. ठीक है, अब देखो जैसे मैंने बताया और जैसे कहाँ यूज हो रहा है, तो ये बहुत ही हम लोगों का बहुत ज्यादा हाईली सिक्योरिटी के लिए मल्टीमीडिया सिस्टम जो हम लोगों का यूज होता है. जैसे स्पेशली मैं बात करूँ तो किस चीज में, प्रोटेक्शन ऑफ स्टोर डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, मतलब बहुत टाइम पहले से कुछ डॉक्यूमेंट्स जो चले आए हैं, जो पेपर की क्वालिटी एक टाइम बाद में जैसे चली जाती है, लेकिन डिजिटल कोई इमेज आपके साथ में तो आपके पास ही रहेगी.
बहुत सारी ऐसी स्कैनिंग डिवाइस है जो हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें हम क्या करते हैं, यूजर्स होता है ना उसकी आई का रेटिना आप लोगों ने ले लिया, ठीक है, या कोई आपके थंबप्रिंट ले लिया, ठीक है ना, उसको कंप्यूटर पे स्टोर करा दिया, ठीक है। अगर आपको किसी चीज यूजर को लॉग इन होना है तो आई रेटिना स्कैन होगा या थंब इम्प्रेशन स्कैन होगा, तो वो सारा स्टोरिंग किसकी मदद से हो रहा है, मल्टी मीडिया की मदद से हो रहा है। तो ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक एडवांटेज है, एक फीचर है ना। ओके और कहाँ पे यूज हो रहा है, मान लो एक पर्सन के सिग्नेचर है वो आप लोगों ने ले लिया, उसको आपने स्टोर करा लिया, वो भी चलो ठीक है, लेकिन उसका वॉइस का रिकॉग्निशन का पैटर्न है कि वॉइस रिकॉग्नाइज होती है, तो वो पैटर्न उसको भी सेव कर रहे हो आप किसकी मदद से, मल्टीमीडिया की मदद से, ठीक है। और क्या है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप टेक्स्ट हो गए, पिक्चर हो गए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना, साउंड फाइल हो गई, उनको सेव करना, वो सब भी एक सिस्टम होता है, ठीक है ना। उसके साथ वीडियो फाइल्स और ऐसी बहुत सारी फाइल्स, वो सारी फाइल्स, इन सब की हम बात करें, चाहे डॉक्यूमेंट हो, साउंड हो, ऑडियो वीडियो, ये सारी फाइल्स है ना, दैट कैन बी प्रोटेक्टेड थ्रू इंक्रिप्शन मेथड्स। अब ये सारी फाइल किसकी मदद से प्रोटेक्ट हो रही है, इंक्रिप्शन मेथड की मदद से, मतलब उसके अंदर या तो आप कोई रीड राइट कोई प्रोग्राम लगा रहे हो, उसके अंदर कोई इंक्रिप्शन लगा रहे हो, उसके अंदर कोई पासवर्ड मैनेज कर रहे हो, और या उसके अंदर कोई कॉपीराइट का प्रोटेक्शन कर रहे हो। तो मतलब ये सारे मल्टीमीडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमने क्या है, कुछ मल्टीमीडिया टेक्स्ट का ही सहारा लिया है, ठीक है, ताकि हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है किसी थर्ड पार्टी से दूर रहे, ताकि कोई भी जना हम लोगों का जो चीजें हैं, जो हमारा डॉक्यूमेंट है, फाइल, उसको कॉपी नहीं कर पाए, ठीक है। तो एक ये अलग से एक थोड़ा सा एक फीचर है जिसको आप लोग सब लोग याद रखो, ठीक है। अब देखो हम लोगों के पास मल्टीमीडिया सिस्टम सिस्टम भी आपके पास क्या है, कुछ दो तरीके के बेसिक सिस्टम आ रहे हैं, ठीक है ना। पहला सिस्टम आपके पास एनालॉग सिस्टम। एनालॉग सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे क्या है, सिस्टम क्या यूज करता है, चीजें तो वही है, लेकिन किस तरीके से सिस्टम यूज कर रहा है, बुक्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ फिल्म्स हो गई, कुछ फोटोग्राफ्स हो गई, या कुछ रिकॉर्ड टेप्स हो गए पुराने, या वीडियो टेप्स हो गए, और भी ऐसे अदर फॉर्म्स ऑफ मीडिया है जो आपके पास स्टोर है साउंड की और पिक्चर की फॉर्मेट में, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई ना, तो हमने देखा कि एक चीज से दूसरे चीज में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं साउंड टू ऑडियो, ऑडियो टू वीडियो, ठीक है ना, कन्वर्टिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर एंड कंबाइनिंग डिफरेंट मीडिया फॉर्मेट्स बिकम डिफिकल्ट एंड क्यूमरसम। मतलब एनालॉग सिस्टम में क्या है, आपने ये सब चीजें ले तो ली, लेकिन आप उसको यूज करने के लिए एक चीज से दूसरी चीज हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ रहा है, तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि थोड़ा एनालॉग सिस्टम पुराना सिस्टम है जिसको हम बात करें, ठीक है। अब एनालॉग सिस्टम आर बीइंग रिप्लेस विद अ सिस्टम दैट डिजिटाइज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड स्टोर देम ऑन डिजिटल मीडिया। अब इस ओरिजिनल सिस्टम को क्या हमारे डिजिटल सिस्टम ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। कैसे रिप्लेस किया, जो सारा सारा काम पहले एनालॉग सिस्टम पे होता वो डिजिटल मीडिया पे होने लग गया है ना, और वहां पे क्या है, हम सारी सारी चीजें डिजिटल मीडिया पे करते हैं। नेवर्थलेस एनालॉग सिस्टम स्टिल रिमेन अ रिटन फॉर लीगल हिस्टोरिकल एंड रिसर्च पर्पसेस, ठीक है। और उसके साथ हम ये भी कह सकते हैं, चाहे कम यूज हो रहा हो, चाहे आप डिजिटल ने उसकी जगह ले लिया, लेकिन फिर भी ये सिस्टम है और जो उसका बहुत ज्यादा लीगल और हिस्टोरिकल रोल है और रिसर्च पर्पसेस पे काफी बार काम आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड मीडिया, एक हो गया एनालॉग सिस्टम हो गया और कंप्यूटर, और नेक्स्ट हो गया कंप्यूटर बेस्ड मीडिया। तो यही आपका डिजिटल सिस्टम है, इसके अंदर क्या है, चाहे आप कोई भी चीज यूज करो है ना, चाहे ऑडियो वीडियो, सब सारी की सारी चीजें क्या होगी, डिजिटल वे में आपके पास प्रोसेस होंगी। सब पिक्चर ले लो, स्कैन ले लो, इमेज ले लो, फोटोग्राफ, वीडियो, सारी की सारी चीजें मतलब एज अ सीरीज ऑफ 0101 की फॉर्म में कन्वर्ट होगी और प्रोसेस होंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, एक से दूसरे का कन्वर्टन बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैव चेंज चेंज द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर यूज फॉर डेवलपिंग द मीडिया फ्रॉम द ट्रेडिशनल एनालॉग इक्विपमेंट टू द कंप्यूटर बेस्ड डिजिटल मीडिया सिस्टम, ठीक है। तो मतलब पहले टेक्नोलॉजी जब इतनी चेंज हो गई कि आपका पुराना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर था जो आपका यूज हो रहा था मल्टी मीडिया को डेवलप करने में, तो जो ट्रेडिशनल से हट गया वो चीजें कहाँ आ गई है, ट्रेडिशनल एनालॉग इक्विपमेंट से वो चीजें हटके अब किस पे आ गई है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम या डिजिटल बेस्ड सिस्टम, मल्टी मीडिया सिस्टम पे वो चीजें ट्रांसफर हो गई है, ठीक है ना। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी एडवांस होने से हम लोगों को ये फायदा मिला है, ठीक है। तो सारी की सारी कुछ भी हो, कंप्यूटर के 01 की फॉर्म यूज करा, चाहे वो साउंड के लिए हो गया, चाहे स्टिल इमेजेस के हो गया, चाहे मोशन इमेजेस के लिए हो गया, तो 01 की फॉर्म में क्या, अब टेक्स्ट जो है रीड होता है, ठीक है ना। ओके ठीक है। तो वंस द एनालॉग मीडिया आर कन्वर्टेड टू अ डिजिटल फॉर्मेट, अ कंप्यूटर कैन यूज टू मैनिपुलेट थ्रू वेरियस मीडिया। तो अब इसका एडवांटेज कहाँ रहा है कि एक बार आपने बस स्टोर कर लिया डिजिटल फॉर्मेट में, ठीक है ना, अपने सॉफ्टवेयर जिसकी वजह से, तो एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में उसका ट्रांसफॉर्म करना बहुत ईजी हो गया, उसका मैनिपुलेशन बहुत ईजी हो गया, ठीक है।
अब एक टर्म है हमारे पास है मल्टीमीडिया हायरार्की। तो ये टर्म क्या है, इट रिफ्लेक्ट्स हाउ मच कंप्यूटिंग पावर इज नीडेड टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। तो मल्टीमीडिया हायरार्की यही बताती है कि एक जो आपका इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है तो उसको आपको यूज करने के लिए कितना पावर आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या मल्टीमीडिया सिस्टम में क्या किया है, हम देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे क्या है अलग अलग लेवल ऑफ कंपोनेंट्स है, जिसको हम हायरार्की में डिवाइड करते हैं, अलग अलग लेवल ऑफ कंपोनेंट्स है, वो अलग अलग कंपोनेंट्स हैंडल करते हैं कुछ टास्क को। ठीक है ना, और जिस टास्क किस तरह से सिंपल टेक्स्ट प्रोसेसिंग से लेके आप कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट प्रोसेसिंग तक जाते हैं, तो वहां से एक हायरार्की आपके पास चलती रहती है, अलग अलग लेवल ऑफ कंपोनेंट्स में चलती रहती है। ठीक है, अब जैसे उसी में हम यूज करते हैं, ठीक है ना, सॉरी, एज अ मोर पावरफुल कंप्यूटर आर डिप्लॉयड मोर एप्लीकेशन कैन बी यूज्ड बाय बिजनेसेस। अब इसमें क्या प्रोसेस क्या है, किस तरह से कंपोनेंट है, लेवल है, आ रहा है जा रहा है, तो उसके लिए भी क्या अलग अलग प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, तो देखो मल्टीमीडिया में जो सारे टर्म आप यूज करोगे सब उसी से रिलेटेड होगी, चाहे आपको बहुत बार पढ़नी पड़े, लाइक टेक्स्ट हो गया, साउंड से लेंगे, तो चीजें वही है, बस अलग अलग तरीके से यूज हो रही है। तो अब इसमें भी क्या है, पहला है टेक्स्ट प्रोसेसिंग। ठीक है ना, तो हायरार्की में बात करूँ तो हायरार्की के अंदर टेक्स्ट जो होता है प्रोसेसिंग, वो मल्टीमीडिया लेवल का सबसे बेसिक हायरार्की होती है। ठीक है, तो टेक्स्ट इज द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट लेवल इन द मल्टीमीडिया हायरार्की। सबसे बेसिक लेवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टेक्स्ट से स्टार्ट हो रहा है। स्कैनर्स इक्विप्ड विद ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर अलाउ टेक्स्ट टू बी स्कैन इनटू अ कंप्यूटर फ्रॉम प्रिंट डॉक्यूमेंट और फ्रॉम यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स और प्रोडक्ट्स। ठीक है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स ऑन प्रोडक्ट्स यूज वेंड और हैंड हैंडल स्कैनर। मतलब जो हम लोग टेक्स्ट के अंदर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, बेसिक लेवल से हम बात करें, चाहे आप स्कैन करो चाहे किसी टेक्स्ट को वैसे स्कैन करा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिक लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट हो गया या आपने कोई बात हो के कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई, तो वो सारे के सारे अलग अलग स्कैनर है जो टेक्स्ट को प्रोसेस करने के काम आ रहे हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट की प्रोसेसिंग इस तरह से की जाती है। नेक्स्ट हम लोगों का साउंड प्रोसेसिंग। अब देखो, फॉर कैप्चरिंग एंड प्रोसेसिंग साउंड्स इंक्लूड्स अ कार्ड अटैच्ड टू द मेन मदरबोर्ड ऑफ द सिस्टम। साउंड प्रोसेसिंग के लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर हार्डवेयर है जो हम लोगों की जो सिस्टम का डेस्कटॉप होता है उसकी जो मदरबोर्ड होती है ना, जो बेसिक मदरबोर्ड क्या होती है, एक बेसिक हार्डवेयर का पैनल होता है जिसमें सारे का सारे इक्विपमेंट्स एक साथ क्या होता है, इंसर्टेड होता है। तो हार्डवेयर एक अलग से हार्डवेयर है जो क्या है, उस साउंड को कैच करने के लिए लगाया जाता है, वो उस मदर सिस्टम के मेन बोर्ड और मदर बोर्ड पे भी लगा हुआ होता है ताकि साउंड को इंक्लूड कर सके। ठीक है, उसके बाद फिर इस चीजों के लिए वैसे आपको सॉफ्टवेयर की भी जरूरत रहती है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वही मिलकर साथ काम क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं। स्टिल इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है, तो ये आपका ऑडियो वगैरह के बारे में बात कर रहा है। स्टिल इमेज प्रोसेसिंग ये आपका ग्राफिक सिंपल इमेजेस के बारे में बात कर रहा है। सो वेरियस स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ द मल्टीमीडिया इंक्लूड इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम्स आर डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर हैंडलिंग बिजनेस फॉर्म्स इमेजेस ग्राफिक्स और पिक्चर्स। तो ये किसी का हमारा पिक्चर्स के लिए, ग्राफिक्स के लिए, इमेजेस के लिए क्या है, स्टिल इमेज प्रोसेसिंग को हम यूज ले रहे हैं। अभी और भी कहाँ यूज हो रहा है, भाई बैंकिंग सेक्टर में स्पेशली यूज हो रहा है। जहाँ बैंकिंग सेक्टर में हम क्या करते हैं, चेक लगते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, वो चेक क्या वहाँ जाके लग जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, लेकिन उन चेक का कंफर्मेशन कैसे होता है, स्पेशली इंश्योरेंस कंपनीज इसका बहुत यूज करती है, खास करके तब जब आप इंश्योरेंस आप कोई क्लेम उठा रहे हैं, ठीक है ना, या फिर कुछ कोई प्रॉप या फिर पिक्चर्स ऑफ डैमेज कस्टमर्स प्रॉपर्टी, या मतलब कस्टमर की कोई प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड कोई डैमेज है, उससे रिलेटेड कोई पिक्चर्स है, उसका आप स्पेशली यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज हो रही है, क्योंकि जो अमाउंट अच्छा खासा लेवल का होता है उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना होता है, उसको उसके लिए आपको ढंग से उस चीज़ को कन्फर्म करना होता है। ठीक है ना, तो वहाँ पे स्पेशली ये चीज़ यूज हो रही है। वैसे यूज तो हर जगह हो रही है, लेकिन एक हमने बात बताई कि इंश्योरेंस कंपनी के लिए इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे उसका रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सारा का सारा कंफर्मेशन क्या यहीं से आ रहा है। ठीक है, एक है आपका स्कैनर्स एंड डिजिटल कैमरास कैन आल्सो बी यूज्ड इन इमेज प्रोसेसिंग टू कैप्चर पिक्चर्स फॉर प्रिंटेड पब्लिकेशन, इंटरनेट वेबसाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन। और कहाँ यूज हो रहा है, अलग अलग जगह यूज हो रहा है इमेज प्रोसेसिंग करने के लिए, ताकि कुछ भी चीज के आप इमेजेस ले सको, चाहे कोई इंटरनेट वेबसाइट की मदद से हो, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन हो, चाहे आप कोई प्रिंटेड पब्लिकेशन हो, सबकी पिक्चर लेने काम आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोटोग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर लेट अस एड स्पेशल इफेक्ट्स टू एडिट फोटोज और इमेजेस। मतलब आप अपनी फोटोज और इमेजेस में कुछ स्पेशल फीचर्स ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या फोटोग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपके पास है। ठीक है,
तो ये इन इन जगह पे अलग अलग जगह पे तीन अलग अलग जगह जैसे मैंने आपको बताई, तो वहाँ पे स्टिल इमेज प्रोसेसिंग का यूज होता है, ऐसे फुल मोशन वीडियो प्रोसेसिंग, तो यहाँ पे भी हम काफी जगह इसका यूज करते हैं। तो देखो पिक्चर की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी कैसे डिसाइड होती है कि वीडियो में क्या होता है, अलग अलग फ्रेम्स होते हैं, वो अलग अलग फ्रेम्स जो जुड़ते हैं फिर उनकी बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेसिंग होती है ना, और हमें ऐसा क्या है एक अच्छा खासा वीडियो मिलता है। ठीक है, तो मतलब आपको अच्छी क्वालिटी वीडियो के लिए हमें कहीं कहते हैं कि 30 स्टिल इमेजेस हम लोगों को चाहिए, या वो स्टिल इमेजेस को आप लोगों ने क्या मतलब फ्रेम बोला, तो 30 पिक्चर्स आपको चाहिए है ना, मोशन बाय मोशन जिनको आप फटाफट से दिखाते हो तो हमें लगता है वीडियो तैयार हो गया। कई कंट्रीज कहती कि कई कंट्रीज में आप 25 फ्रेम्स पर सेकेंड स्पीड होनी चाहिए, ठीक है ना। और क्या है, और हम देखते हैं मोर एक्सपेंसिव ट्यूनर एंड कैप्चर कार्ड ऑन कंप्यूटर अलाउड फुल मोशन कैप्चर बाय सेविंग ऑल द फ्रेम्स एंड साउंड। तो अच्छा खासा कहाँ जो हमें लग रहा है कि काम काम ले पा रहे हैं कि जहाँ पे है ना पिक्चर्स फ्रेम्स और साउंड वो एक साथ क्या है कंबाइन हो रहे हैं और फुल मोशन वीडियो हम लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखो और पिक्चर के लिए और क्या यूज करें, बहुत सारे मेथड्स है जो हम लोगों ने अभी इस टाइम पे यूज किए हैं पिक्चर के लिए, लेकिन उसमें क्या होता है फिर उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी इंप्रूव होती है, तो उसकी साइज भी बढ़ जाती है। तो इस चीज के लिए हमने क्या किया है, कुछ कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन के लिए कुछ चीजें यूज किया। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो कंप्रेशन मोशन वीडियो फाइल्स यूज कर रहे हैं ताकि उसको वीडियो को हम लोग कंप्रेस कर पाए। तो यहाँ पे क्या होता है, वीडियो को हम कंप्रेस कर लेते हैं, उसको उस फाइल को सेव कर लेते हैं, स्मॉलर फाइल बना लेते हैं, फिर जब आपको चलाने के बारे आती है तो आप उसको वापस क्या कर सकते हो, डिकम्प्रेस कर लो, तो क्वालिटी भी मेंटेन रह जाती है और साइज भी क्या होता है छोटा रह जाता है ना। तो यहाँ पे ये चीजें होती है कि वीडियो में स्पेशली क्या है जब साइज लार्ज होती है तो हम आप क्या कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे कोडेक सिस्टम हम लोग के पास रहते हैं, मतलब कोड करना फिर डिकोड करना उस सिस्टम को है ना, वो बहुत सारे मेथड हम लोग के पास रहते हैं। तो सेवरल कोडेक सिस्टम्स यूज हार्डवेयर है ना इंक्लूडिंग कंप्यूटर चिप एंड सॉफ्टवेयर। तो हम लोगों को कोडेक सिस्टम करने के लिए हम लोग क्या है, या तो हम लोग हार्डवेयर यूज ले रहे हैं या फिर हम क्या है सॉफ्टवेयर यूज ले रहे हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर जैसे हार्डवेयर जैसे इंक्लूडिंग कंप्यूटर चिप एंड सॉफ्टवेयर जैसे MPEG मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका है मोशन के लिए। सेम यार एनिमेशन के लिए क्या है, एनिमेशन के लिए क्या यूज करते हैं, भाई एनिमेशन द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म्स ऑफ मल्टीमीडिया इज एनिमेशन इन वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, दिस सिस्टम कंबाइंस स्टिल ग्राफिक्स वीडियो साउंड एनिमेशन फ्रॉम अ वर्चुअल रियलिटी आउटकम। ठीक है, मतलब ये वर्चुअल सिस्टम जो आपने डिजाइन किया है या जो कंबाइन करता है स्टिल इमेजेस हो गई, चाहे वीडियोस हो गए, चाहे साउंड हो गया, उन सब चीजों को। ठीक है, अब भाई ये कहाँ यूज हो रहा है, हम तो बोलते हैं कि मूवीज में यूज हो रहा है कहीं, या कार्टून चैनल्स हो गए उसमें यूज हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये सब उसकी लिमिटेशन सिर्फ वहीं तक नहीं है, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल जगह है जहाँ पे हमें एनिमेशन यूज करना पड़ता है, हम करते हैं। जैसे हमें घर का कोई नक्शा बनाना है, तो उस घर का नक्शा को हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा खासा सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग क्या करते हैं एक एनिमेशन तैयार करते हैं ताकि वो फ्यूचर में घर हमें ऐसा दिखेगा, उसका हमें आइडिया हो जाए। एंटरटेनमेंट पे यूज तो हो रहा है, एजुकेशन में भी यूज हो रहा है, बच्चों को सिखाने के लिए हम बहुत सारे एनिमेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, किसी को आपको ट्रेनिंग देनी है, आपको कोई चीज समझानी है तो उसके लिए आप यूज करें है ना, ऐसे आर्किटेक्चर में कंस्ट्रक्शन में और कोई लोकल बात समझाने में, या गवर्नमेंट के लिए भी या कोई पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम एक एनिमेशन मॉडल तैयार कर सकते हैं और चीजों को समझा सकते हैं। ठीक है, सो एनिमेटेड मूवीज कंप्यूटर गेम्स हैव बिकम मोर पॉपुलर एंड रिक्वायर्ड ऑल द मल्टी मीडिया फॉर्मेट्स फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, और लेकिन बहुत सारा ज्यादा यूज हो रहा है कहाँ पे, हम बात करें अगर हमारे कार्टून के लिए या फिर हमारे टीवी इंडस्ट्रीज के लिए, तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग फॉर्मेट्स हैं हम लोगों के पास उस चीज को डेवलप करने के लिए जो हम यूज लेते हैं। ठीक है, तो आई होप ये था हम लोगों का आज का सेशन जिसमें हमने पढ़ा कि जो मल्टीमीडिया हायरार्की में हम एक लेवल से दूसरे लेवल पढ़ते हैं तो किस किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है, तो कुछ तरीके से प्रोसेसिंग होती है जिसको हमने बताया। मल्टीमीडिया का सिस्टम जो होता है, जो सिस्टम होते हैं मल्टीमीडिया सिस्टम कितने टाइप के होते हैं है ना, और मल्टीमीडिया सिस्टम होता क्या है। तो आई होप आपको ये सेशन क्लियर हुआ होगा जिसमें हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस की। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी मेंशन इन द कमेंट बॉक्स एंड दिस सेशन इज फॉर दैट एडिशन वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ यूनिवर्सिटी।